आशियाना प्रायोजक नया सनसिल्क हेयर फॉल सॉल्यूशन सिर्फ ₹1 में। बाबूजी सुनकर दुख तो बहुत हुआ हमारे को, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम हूं ना आपके बेटे जैसा। जैसा नहीं, तुम हमारे बेटे ही हो। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कितने भाग्यशाली हैं जो तुम जैसा बेटा पाया। अरे हम का इतने लकी हैं, हम तो अनाथ हूं। जब पैदा हुए थे तो धरती माता की गोद थी, पर ये ब्लू स्काई हमारा फादर। हमने तो जब होश संभाला था ना तो नाम तक नहीं पता था हमें हमारा। आपको तो बताया था ना कैसे नाम पड़ा हमारा हरिलाल। हाँ, वो हरी निकर और लाल। नहीं नहीं, लाल चड्डी और हरी बनियान, इसलिए हमारा नाम पड़ा हरिलाल। हमें तो अपना नाम तक नहीं मालूम था, आपने इस अनाथ पे अपना हाथ रखा और अपना बेटा बना लिया, और आप लोगों ने इस अनाथ को माता पिता का प्यार दे दिया। देखो बेटा, उस बात को याद मत किया करो। अरे काहे याद ना करे बाबूजी, इतना बड़ा एहसान किया है आपने हमारे ऊपर, ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटा तुमने भी तो बहुत हिम्मत दी है हमें, जब भी हम अकेलापन और उदास महसूस करते थे हमेशा बेटा बनकर सामने खड़े हो गए। एक वादा चाहते हैं हम तुमसे। कि तुम हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अरे कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। बेटा हमारे बेटे तो हमें छोड़कर चले गए, पर तुम छोड़कर मत जाना कभी। मम्मी जी हम तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बस एक ही चीज है जो हमें आपसे दूर ले जाएगी। कौन बेटे? मौत, जब हम डेड हो जाऊंगा। उसके अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमें आपसे दूर ले जाए। चुप पगले, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान करे तुम्हारी उम्र चांद तारों से भी लंबी हो। नहीं नहीं, कुछ उम्र कम कर दीजिए, अखिल भैया और अजीत भैया को भी तो आप। बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है हमें, इसीलिए तुम हमारे दिल में बस गए हो, सबकी भलाई चाहते हो ना। सच ही तो बोल रहे हैं बाबूजी। आप बताइए, ऐसा होता है क्या कि औलाद अपने माता पिता से दूर हो जाए? देखिएगा, वो दोनों एक दिन आपके पास जरूर आएंगे। वापस आने में मुझे उतनी खुशी नहीं होगी, ना होगी। अगर उनकी सोच तुम्हारी तरफ हो जाए तब मैं कहूंगा कि हाँ वो मेरे बेटे। अरे बाबूजी, ये भी होगा, ईश्वर ने चाहा ना तो वो दोनों आपके पास जरूर वापस आ जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे तो ऐसा लगेगा कि 7 जन्म की जिंदगी इसी जन्म में पाली। मैडम जी, बोलिए हरिलाल जी, वैसे आप मुझे रोज अलग अलग नाम से क्यों पुकारते हैं? मेरा नाम दामिनी है, तो दामिनी कहकर पुकारा कीजिए। पुकार है, हम अपने नाम के आगे भी जी लगाता हूँ। आप जानती हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता हूँ? हम हैं हरिलाल जी। अरे आपको हंसी नहीं आई? क्या हुआ? नो लाफ्टरिंग? हरिलाल जी, मेरा मूड बहुत खराब है, आपको तो पता चल ही गया होगा ना। हाँ, बात हुई है हमारी माँ जी बाऊ जी से, उन्होंने बताया अजीत भैया के बारे में। आप भी इसलिए दुखी है ना कि अजीत भैया घर छोड़ के चले गए? नहीं, इस बात का दुख नहीं है मुझे, दुख तो इस बात का है कि मम्मी पापा चाहते थे कि अजीत भैया की शादी बड़े धूमधाम से हो, शहर के बड़े बड़े लोग आए, पर ऐसा कुछ ना हो सका। है तो ये बहुत दुख की बात, हमें पता चला कि वो देवराज
अपनी लड़की की शादी किसी और लड़के से कर रहा था? इसी बात का तो दुख है। अगर देवराज अंकल ये गलत फैसला नहीं करते तो अजीत भैया भी ये गलत कदम नहीं उठाते, और अगर अजीत भैया ये गलत कदम नहीं उठाते तो शायद दिव्या आत्महत्या कर लेती। फिर तो अजीत भैया ने बिल्कुल सही किया, उका है लव बर्ड्स को सेपरेटिंग करना इज नॉट गुड, भगवान भी क्षमा नहीं करते उनको। आप बताइए सही कह रहे हैं ना हम? एक बात बताऊं, अजीत भैया को हिम्मत मैंने ही दी थी, मैंने उन्हें कहा कि दिव्या को लेकर भाग जाएं। ये तो आपने कमाल ही कर दिया। लेकिन हलेलाल जी, मम्मी पापा तो दुखी हो गए ना? अरे ये बात तो है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो धीरे धीरे संभल जाएंगे, और वो देवराज है ना, वो का गुस्सा भी ना कोल्ड ड्रिंक की तरह ठंडा हो जाएगा। सबसे तेज चैलेंज और उदेवराज है ना, ऊ का गुस्सा भी ना कोल्ड ड्रिंक की तरह ठंडा हो जाएगा। फिर हम अजीत भैया को घर बुला लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है हरिलाल जी? लो कर लो बात, सारी गाड़ी यहीं आके रुक गई। क्या हुआ? अरे ये हरिलाल जी, ये गुड नहीं लग रहा। देखिए हरिलाल जी, ये बात हमारे बीच पहले भी हो चुकी है, इस बात को प्लीज यही खत्म कीजिए। जब तक आप मुझे मैडम जी बुलाते रहेंगे, तब तक मैं भी आपको हरिलाल जी बोलूंगी। ये तो नहीं नहीं, ये बहुत नुकसान का सौदा है। अब उस बात को छोड़िए, अजीत भैया का क्या होगा इस बारे में सोचिए। अरे उनका क्या सोचना, वो तो दिव्या जी के साथ हैप्पी वेडिंग लाइफ गुजार रहे हैं ना, अब तो आपके बारे में सोचना है। अब मेरे बारे में? और नहीं तो का, एक बात बताइए, वो राजेश्वर आदमी कौन है? वही वही जो शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बताओ तो सही, यहाँ लड़कियों को रिश्ते नहीं आते और आपके आगे पीछे रिश्ते घूम रहे हैं, और आप हैं कि उन्हें घास भी नहीं डाल रही। वो घोड़ा नहीं गधा है जो घास खाकर भी अपने मालिक को लात मारना नहीं भूलता। एक बात बताएं मैडम जी, वो राजेश्वर है ना, अपने साथ दो दो बॉडीगार्ड लेके घूमता है। आप उसके साथ शादी कर लीजिए, फिर आपके साथ भी ना बॉडीगार्ड घूमेंगे। चुप रहो, उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुवारी रह जाऊं, समझे? ये गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा, का है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देखिए हरिलाल जी, अगर आप इस तरह राजेश्वर से मेरी शादी की बात करते रहेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा गजब मत कीजिएगा, हम तो मजाक कर रहे थे। आपको यहाँ मजाक सोच रहा है, और हमारी यहाँ जान पर आई हुई है। अरे हमें पता है वो राजेश्वर ना आपको बहुत परेशान कर रहा है, अब क्या करें, उसका लक भी तो बहुत अच्छा है ना, जो उसका सामना हमसे नहीं हो रहा। बस एक बार उसका सामना ना हमसे हो जाए, फिर उसको बनारस के औकात दिखा देंगे, सारी गुंडागर्दी ना भूल जाएगा। क्या नाम होता है उसका? हरिलाल। नाम है या कलर की दुकान? हरी लाल, कहां से पकड़ कर लाए उसे? वो मम्मी पापा बनारस गए थे, बस वहीं से ले आए उसे। सुना है वहां का गुंडा था। हमसे बड़ा गुंडा? हमारे सामने कौन गुंडागर्दी करेगा? लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा बहादुर समझता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे जताता है जैसे कि घर का मालिक हो। अच्छा, वो हमारा सामना करना चाहता है? सिर्फ सामना ही नहीं, बल्कि आपको सबक भी सिखाना चाहता है। अच्छा,
वो सबक सिखाना चाहता है मुझे हा? अच्छा लगा सुनकर, अच्छा लगा कि राजेश्वर को कोई सबक सिखाना चाहता है। वो क्या है ना कि आज तक किसी को मारा नहीं, खून नहीं बहाया, सिर्फ डरा धमका कर ही काम हो गया, लेकिन अब लगता है कि खून बहाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, खून बहाने की जरूरत नहीं, बस धमका दीजिए, वो डर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा गुंडा है, मामूली चोर उचक्का होगा। ऐसे को मारकर आप क्यों अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं? मेरे और दामनी के बीच में अगर वो आएगा ना तो बचेगा नहीं। पहली बार तो राजेश्वर का दिल किसी पर आया है, तुम एक काम कर, वो लाल पीला हरी लाल, अब लाल हो या पीला है तो कलर ही ना, मैं काम करना उस पर नजर रखना और पल पल की खबर मुझे देती रहना। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा उसे ऐसा गायब करूंगा कि मुंबई की धरती उसे ढूंढ नहीं पाएगी। हाँ ये ठीक कहा आपने, इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा भी। समझो काम हो गया। हेलो, मैं अमृता बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं रचना बोल रही हूँ, दामिनी की मम्मी। बोलिए बहन जी। मैंने सिर्फ ये बोलने के लिए फोन किया है कि एक गुंडा बहुत परेशान कर रहा है हमारी बेटी को, जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। मैंने सिर्फ ये बोलने के लिए फोन किया है कि एक गुंडा बहुत परेशान कर रहा है हमारी बेटी को, जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अब कोई कदम भी नहीं उठा सकते, इससे बच्चे की बदनामी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी बहन जी, मैंने सोचा है कि हम लोग के रिश्ते में जो दरार आ गई है उसे मिटा देना चाहिए, और दामिनी के लिए विवेक से अच्छा लड़का और कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, विवेक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन जिसे आप दरार कह रही है, दामिनी ने तो उसे फासले में बदल दिया है। वो तो विवेक से बात भी ढंग से नहीं करती, तो ये दरार कैसे मिट सकती है? अगर हम लोग चाहें तो दरारें मिट सकती हैं। देखिए बहन जी, बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं, माँ बाप का फर्ज होता है कि चीजों को संभाल लिया जाए। चलिए कोशिश करते हैं, आप विवेक की तरफ से बेफिक्र रहिए, दामिनी को मना लीजिए बस। बहन जी हम लोग शादी की तैयारियां करते हैं, विवेक और दामिनी साथ में रहेंगे तो उनकी दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। पहले भी हमने कोशिश की थी लेकिन नतीजा तो हमने देख ही लिया, इसे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप दामिनी को मना लीजिए, शादी हम धूमधाम से करेंगे, दुनिया के मुंह पर हम ताला लगा देंगे। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने दामिनी की शादी विवेक के साथ होगी ये तय कर लिया है। मेरे लिए यह खुशी की बात है, विवेक के पापा की भी यही ख्वाहिश थी, वो सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक है, मैं आज ही दामिनी से बात कर लेती हूँ। ठीक है। अरे भोला, देख तो दरवाजे पे कौन है। दामिनी,
कहाँ चली गई थी तू? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा? वो मम्मी घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। मुझे पता है, घर बैठे बैठे तो बोर हो जाती है ना, घर गृहस्थी संभाल लेगी तो बिल्कुल बोर नहीं होगी। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी? हाँ बेटा, मैंने अमृता बहन जी को फोन किया था, वो राजी हो गई हैं विवेक के साथ तुम्हारी शादी के लिए। लेकिन मम्मी, लेकिन दुनिया वाले उंगली उठा रहे हैं, मैं उन्हें चुप कराना चाहती हूँ। एक बात बताइए मम्मी मुझे, क्या मैं यहाँ पर रहूंगी तो आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी? नहीं बेटा, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है और हम लोग अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। एक बार कोशिश की थी लेकिन 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 इस बार शादी होगी बेटा, और हम लोगों ने अगर ज्यादा इंतजार किया तो वो गुंडा हमारा जीना हराम कर देगा। क्या आप उस गुंडे के डर से मेरी शादी कहीं भी करा देंगी? हम लोगों ने अगर ज्यादा इंतजार किया तो वो गुंडा हमारा जीना हराम कर देगा। क्या आप उस गुंडे के डर से मेरी शादी कहीं भी करा देंगी? वो गुंडा हमारे पीछे पड़ा है, इससे तो बेहतर है ना कि विवेक से शादी करके उससे पीछा छुड़वा ले हम लोग। लेकिन मम्मी विवेक से ही क्यों? देख दामिनी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है लड़का ढूंढने के लिए, और ना ही किसी पर विश्वास कर सकते हैं। तो मुझे सोचने दीजिए। तुम सोचती रहो, मैं सोच चुकी हूँ, तुम्हारे पापा से भी जाकर बात करती हूँ। दामिनी, भाई क्या बात है, गुस्से में हो या नाराज हो? नाराज हूँ, आप मेरे इकलौते मामा हैं और आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। हाँ भाई, चिंता तो होनी चाहिए, मामा भी इकलौता और भांजी भी। अब आप बात को मजाक में मत टालिए, मैं आपसे यहाँ झगड़ने आई हूँ। अच्छा, शुरू कर दो झगड़ा। अरे भैया, अदालत में लड़ते लड़ते जिंदगी एक ही सुर में चलने लगी है, या आपस के झगड़े से हो सकता है कोई चेंज मिल जाए? मामा जी, अब आप भी सीरियस नहीं है, आपको पता है मैं बहुत अपसेट हूँ, घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए मामा की याद आई? हम्म, मामा जी, ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपके पास चली आती हूँ। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अरे भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारी भांजी हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया और हम उसे हेल्प ना करें? मामा जी, आज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा और सीरियस है। भाई फिर तो प्रॉब्लम तुम्हारी शादी का ही हो सकता है। आपको कैसे पता चला? भाई देखो, लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी होती है जब उसकी शादी फिक्स होती है, या तो उसे शादी करनी नहीं होती, और अगर शादी करनी होती है तो अपनी पसंद के लड़के से। अब ये बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मामा जी, आपको पता तो है कि मैंने विवेक से शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि देवराज अंकल उसके जरिए आशियाना हड़पना चाहते थे। हाँ दामिनी, पर अब तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अब शादी करने में एतराज क्या है? लेकिन मामा जी, घर वाले चाहते हैं कि मैं विवेक से ही शादी कर लूं। भाई इस बात के लिए तो मैं भी राजी नहीं, क्योंकि विवेक भरोसे लायक लड़का नहीं। यही बात तो मैं मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मम्मी है कि समझने को तैयार ही नहीं है। दामिनी, लेकिन दीदी अपनी जगह सही है, वो यही सोचती होगी कि तुम और विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मामा जी, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं विवेक से प्यार करती हूँ, लेकिन अब जब मैं वो पल याद करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो प्यार नहीं, लगाव था। लगाव तो हमें किसी भी इंसान के साथ हो जाता है, लेकिन उसे प्यार का नाम तो नहीं दे सकते है ना। तो दामिनी, अब तुमसे मुझे ये सब बातें सीखनी पड़ेगी। जब आप इन बातों को समझते हैं तो प्लीज मम्मी को भी समझा दीजिए। ठीक है, समझा दूंगा, पर ऐसे वक्त पर जब जीजा जी घर पर हूँ। पहले आप मम्मी को समझा दीजिए,
क्योंकि उन्हें ज्यादा चिंता हो रही है। दामिनी, उन्हें मेरी शादी की भी उतनी ही फिक्र है। मुझे हमेशा कहती रहती है कि बंटी का क्या होगा, अपने लिए लाइफ पार्टनर ना सही लेकिन बंटी के लिए माँ तो लेकर आओ। अब माँ क्या कोई एक खिलौना है जो बाजार जाकर खरीद लाऊं? अरे उसके लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है। आप मम्मी का इशारा समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बंटी के लिए मम्मी ना ढूंढने की जरूरत है और ना ही समझने या समझाने की जरूरत है।